करीब 2.5 साल से बांदा जेल में बंद पूरव के माफिया मुख्तार अंसारी की गुरुवार देर रात हार्ट अटैक से मौत हो गई। मुख्तार की मौत से करीब 3 घंटे पहले ही इलाज के लिए मंडलीय कारागार से मेडिकल कॉलेज लाया गया था, जहां 9 डॉक्टरों की टीम उसके इलाज में जुटी थी। रात करीब 10:30 प्रशासन ने मुख्तार की मौत की सूचना सार्वजनिक की। तब तक मुख्तार अंसारी के परिवार का कोई सदस्य मेडिकल कॉलेज नहीं पहुंचा था। बताते चले कि गुरुवार शाम करीब 6:30 बजे मुख्तार अंसारी की जेल में तबीयत बिगड़ी थी। इसके बाद प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और करीब 8:30 बजे के आसपास उसे मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां 2 घंटे तक उसका इलाज चला। उसे ICU से CCU में शिफ्ट किया गया, जहां 10:30 बजे के आसपास उसकी मौत हो गई। अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व CM अखिलेश यादव ने मुख्तार अंसारी की मौत पर पहली प्रतिक्रिया जाहिर की है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर कई बड़े आरोप लगाए हैं और कहा कि इनको सरकार में बने रहने का कोई हक नहीं है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर अखिलेश ने लिखा कि हर हाल में और हर स्थान पर किसी के जीवन की रक्षा करना सरकार का सबसे पहला दायित्व और कर्तव्य होता है। सरकारों पर निम्नलिखित हालातों में से किसी भी हालात में किसी बंधक या कैदी की मृत्यु होना न्यायिक प्रक्रिया से लोगों का विश्वास उठा देगा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा, हर हाल में और हर स्थान पर किसी के जीवन की रक्षा करना सरकार का सबसे पहला दायित्व और कर्तव्य होता है। सरकारों पर निम्नलिखित हालातों में से किसी भी हालात में किसी बंधक या कैदी की मृत्यु होना न्यायिक प्रक्रिया से लोगों का विश्वास उठा देता है। थाने में बंद रहने के दौरान, जेल के अंदर आपसी झगड़े में, जेल के अंदर बीमार होने पर, न्यायालय ले जाते समय, अस्पताल ले जाते समय, अस्पताल में इलाज के दौरान झूठी मुठभेड़ दिखाकर, झूठी आत्महत्या दिखाकर, किसी दुर्घटना में हताहत दिखाकर, ऐसे सभी संदिग्ध मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की निगरानी में जांच होनी चाहिए। सरकार न्यायिक प्रक्रिया को दरकिनार कर जिस तरह दूसरे रास्ते अपनाती है, वो पूरी तरह गैर कानूनी है। जो हुकूमत जिंदगी की हिफाजत ना कर पाए, उसे सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं। उत्तर प्रदेश सरकारी अराजकता के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। ये यूपी में कानून व्यवस्था का शून्यकाल है। बताते चले कि गुरुवार शाम करीब 6:30 बजे मुख्तार अंसारी की जेल में तबीयत बिगड़ने की खबर सामने आई थी, जिसके बाद प्रशासन के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर उसे करीब 8:30 बजे अस्पताल ले गए, जहां 2 घंटे तक मुख्तार अंसारी का इलाज चला। लेकिन ICU और CCU में शिफ्ट करने के बाद भी करीब 10:30 बजे के आसपास मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक के कारण मौत हो गई। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।